जब मैं ईपैड कर रहा था ना, तब मैं आपकी की तरह यहाँ पे बैठा था और मैंने सर का एक सेंटेंस सुना था फॉर माउंट हिलेरी का, जो अनसक्सेस की उनकी स्टोरी थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को उल्टा घुमाकर बोला था कि यू आर स्टॉप ग्रोइंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग। तो वो एटीट्यूड जब सर ने बातचीत की तो वो लाइफ में इतनी छू गई कि एक अंदर से एक और एक करेज, एक ताकत मिली मेरे को, जो आज एक लेवल नेक्स्ट पे हम अभी है। और बिकॉज थैंक्स टू ईपैड एंड थैंक्स टू सर। ईपैड तो सर हमने किया और सक्सेस की जर्नी हमारी शुरू हुई। उसके 6 महीने बाद एक सर का दूसरा कोर्स था ईपैड बीज, जो मेरी खुद की ईपैड से तो लर्निंग एंड सक्सेस स्टोरी हुई, बट उसके साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्दी ग्रोथ वैल्यू ईपैड बीज से काफ़ी कुछ बढ़ी। जब ईपैड किया, जब वर्क की क्लैरिटी आई, तो आई हैड स्टार्ट माई एनालिसिस ऑफ वर्क, हाई वैल्यूज, लो वैल्यूज। जो मेरे लो वैल्यूज वर्क थे ना, मैं आई स्टार्ट अलोकेटिंग टू माई टीम। और आज की तारीख में भी मैं शायद 8 घंटा काम कर रहा हूँ, बट माई कंपनी ग्रोथ इज 51%। आज हमारी कंपनी सेल्स में इंक्रीज है। बिफोर हम लोग को 10-12% ना ग्रोथ पर आता ना 51% ना ग्रोथ, एले 10 + 10 करता 10 × 10 करीने 100 करो ना, एले मल्टीप्लाई करता आई लर्न फ्रॉम उन्नति। एंड जो टाइम मेरा जो बचा ना, उस टाइम के अंदर आई लव माई वर्क। के जैसे मेरा गिटार बजाने का शौक था, फैमिली को टाइम देने का। कई बार 14-15 घंटे काम करते ना, वाइफ घर पे आके बोलती थी, अरे यार तुम्हें तो बहुत काम करो जो। बट माई वाइफ से नाउ यू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो सर का वो लाइफ ऑफ बैलेंस है ना, बॉडी माइंड सॉल सोसाइटी फैमिली, वो मेंटेन करना सर से सीखा था। जब मैं 12-13 साल का था, तब मैं ना स्कूटर पे पापा के साथ जाता था और कहीं बड़ी बड़ी रोड पे फैक्ट्रियां देखता था और पापा को बोलता था, पापा भूंगड़ा वाली फैक्ट्री बनाई है, अने पापा के बेस बेस बेटा। पन ये वक्त ईपैड करता करता जारे सर मने लगता था कि तुम्हारी विश लिस्ट में नाम लखो के व्हाट यू वांट, तुम्हारा गोल शू छे, के बधु थोड़ुक अजूबतु लागतु तू, गोल शू छे, क्लैरिटी नथी। पण जारे वस्तु लखीने शुरू करी तो यू डोंट बिलीव के जस्ट 7 मंथ्स बिफोर आई हैड बॉट अ लैंड ऑफ 2 वीगास इन चांगोदर, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, अने जान्युआरी एंड के फेब्रुआरी 1st week સુધીમાં અમારી ભૂંગળાવાળી ફેક્ટરી રેડી થઈ જશે એન્ડ વી આર ધ લીડિંગ કંપની વિલ બીકમ ટુ સર્વ સ્ટેશનરી માર્કેટ્સ ઇન પાઇન ઇન્ડિયા એન્ડ પ્લાન ઇન ન્યૂ ફેક્ટરી ફોર ધ એક્સપોર્ટ ઓલ્સો. ધીઝ ઓલ હેપન્સ ડ્યુ ટુ સર ગાઈડન્સ. અને મને યાદ છે સર મને બીટ માય બેસ્ટ કરાવતો હતો, અહીંયાથી દોડાવે અને ફરીથી પછી બીજી વાર દોડાવે, ત્રીજી વાર દોડતો. એ જે લર્નિંગ હતો ને બીટ યોર બેસ્ટનું, એ મને લાઈફમાં બહુ યુઝ થયું છે. ને એડ્યુકેશન કરતે વખત આપણે આપણી એક્ચ્યુઅલી અર્લી એક્ટિવિટીઝ આઈડેન્ટિફાઈ, ડીડ યુ હેવ ધ ટાઈમ ટુ સિટ વિથ ધેમ એન્ડ ડિસ્કસ? તો ફર્સ્ટ રિએક્શન હોતા ક્યા થા? जब भी ना सिस्टम में काम करता था ना, तो सभी लोग उसके बंदर मेरे को देखे जाते थे कि सर ये नहीं हुआ, इसका क्या करें. तो मैं फिर वही काम में लग जाता था, मेरा जो काम एक्चुअली था वो नहीं करता था. तो जब ये समझ में आया, सर से सीखा कि बॉस यू कैन आस्क हिम, तो बॉस तू बता क्या करेंगे, तो वही फिर सॉल्यूशन लेकर आता है और वो काम करता है. बट उसके पहले स्टाफ ट्रेनिंग, उनके साथ हर चीज़ की, मेरी जो काम की वर्किंग पैटर्न थी वो की प्रोसेस टू प्रोग्रेस यहाँ से सीखे. सो हाउ टू मेक द प्रोसेस सिस्टम, मीन्स आज की तारीख में ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि माई कंपनी इज नॉट अ पर्सन ड्रिवन कंपनी, इट्स बिकम अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी ड्यू टू ईपैड बिज़.